गजरोला के पूर्व सपा ब्लॉक प्रमुख पर ठगी की एफआईआर दर्ज। बालू खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर हड़पे 1 करोड़ रुपए। अमरोहा के गजरोला थाना इलाके में सपा अखिलेश सरकार में ब्लॉक प्रमुख रहे हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो पर ग्राम प्रधान के बेटे मोहित कश्यप ने 1 करोड़ रुपए की ठगी की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनके भतीजे ने बालू खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए ठग लिए, लेकिन उन्हें काम का मुनाफा नहीं दिया और न ही उनके रुपए लौटाए। साथ ही आरोप है कि रुपए मांगने पर गाली गलौज करते हुए तमंचा तान दिया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर पीड़ित ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसपी से मुलाकात की है। तो मामला यह है, 2021 में हमें खनन के नाम पे पट्टे के नाम से हमसे 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी ली, 1 करोड़ रुपए मेरी फर्म से कुछ नगद और 1 करोड़ रुपए इनकी दिमागी की फर्म से। उसका मुकदमे में भी आदेश होने बाकी है, मेरे में आदेश हो गए। उसके पट्टे के नाम पे इन्होंने हमसे धोखाधड़ी करी, 3 साल से हमें घुमा रहे हैं हमारे पैसे वापस करने के लिए, आजकल आधा घंटा एक घंटा, और कोई भी वो नहीं है। अभी पीछे 2 महीने पहले हमने ज़्यादा दबाव बनाया घर जा जा के, तो इन्होंने हमारे घर आके बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, तमंचा लेके आए, बाहुबल का पूरा प्रयोग करा, तो हमने एफआईआर करी। पुलिस में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करी। अब हम चाहते हैं कि ऐसे खनन माफियों के साथ खिलाफ एक्शन हो, जल्द से जल्द पकड़े जाएं ये लोग, तो यही चाहते हैं। इसमें पहले भी इस मामले में गाजियाबाद में इन पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, हम जैसे लोगों के बहुत लोगों के इन्होंने पैसे हड़प कर रखे हैं, उस मामले में इन पर एफआईआर भी दर्ज है। ये गैंगस्टर लगी हुई है इन पर, ये जमानत पे हैं, स्टे हो रहा है, तो सरकार अपना 25 करोड़ रुपए का मामला इन पर दर्ज है वहाँ पर लगभग जी।